नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की संसद का, लोकसभा का 18वीं लोकसभा का पहला दिन और देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण से पहले संसद में बतौर तीसरी बार सांसद शपथ लेने से पहले जिस संसद में शपथ लेने के बाद सांसद अधिकृत होता है उससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री का ये कहना कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी कभी नहीं भूल पाएगी कि आज से 50 साल पहले कैसे भारत का संविधान लीरे लीरा उड़ा दिया गया था, कैसे संविधान पर आघात हुआ था, उसका दमन किया गया था और कैसे आपातकाल लागू किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन को, इस दिन को लेकर जितना विवाद है वो नई पीढ़ी क्या वाकई में जानती है? पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल संविधान का अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, आर्टिकल 350-360, ये जो धाराएं हैं 8 आर्टिकल की, ये क्या कहती है, कैसे ये भारत में देश की सरकार को इस बात की अनुमति देती है कि वो देश में आपातकाल की स्थिति लागू करे और उस आपातकाल की स्थिति में होता क्या है। दरअसल आपातकाल की स्थिति में सारे अधिकार संविधान केंद्र सरकार में सीमित कर देता है और केंद्र सरकार जो है वो जो फैसले लेती है वही राज्यों की सरकारों को भी मानने होते हैं। राज्यों की सरकारों के अपने फैसले लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, दरअसल आर्टिकल 352-360 अगर हम एक नजर डालें तो तीन भागों में बांटा गया है आपातकाल को, राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं जिसकी वजह से भारत के संविधान ने आपातकाल की अनुमति भारत की केंद्र सरकार को और दरअसल राष्ट्रपति को दी है। भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर 25 जून 1975 को भारत में धारा 352 के तहत, संविधान की वो धारा है 352 जिसके तहत भारत की सरकार को देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार देश के संविधान ने दिया था। तो धारा 352 के तहत देश में पहली बार 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया जो कि 21 मार्च 1977 तक जारी रहा, यानी कुल मिलाकर 21 महीने। और यह आपातकाल खत्म हुआ जब उस वक्त देश की सरकार ने आम चुनावों की घोषणा कर दी। लेकिन आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लागू किया था? इमरजेंसी जिसे 50 साल पहले लागू किया गया था, जिसके लिए कहते हैं कि लोकतंत्र का भारत में गला घोटा गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, क्यों उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 साल पहले 25 जून 1975 को वो फैसला लिया और देश में आपातकाल लागू किया, आइए एक नजर डालते हैं। आपातकाल 1975 में लागू हुआ और 1977 तक रहा। चर्चा अक्सर उन दो सालों की होती है, लेकिन आपातकाल की पृष्ठभूमि पर अगर हम नजर डालें तो इसकी शुरुआत 1971 से हुई। 1971 में कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए आम चुनाव में इतनी जबरदस्त सफलता मिली थी कि पूरे देश में इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का माहौल बन गया था। 1971 के चुनाव में लोकसभा की 518 सीट थी और उसमें से 352 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। इंदिरा गांधी खुद उस वक्त रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उनको वोट दिया था और उनका जो प्रतिद्वंदी था सोशलिस्ट पार्टी से राज नारायण, उनको उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया भी था। अब राज नारायण 1971 के इस चुनाव में मिली हार के बाद कोर्ट में चले गए, जी हां, अदालत पहुंच गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। और यहीं से शुरुआत होती है इस देश की न्यायपालिका और इंदिरा गांधी की सरकार के बीच मनमुटाव की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्णतः स्थगन आदेश नहीं था, आंशिक था। इसके तहत इंदिरा गांधी अपने पद यानी प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकती।
26 जून 1975 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम एक संदेश दिया और उसमें कहा कि सेना, पुलिस और अधिकारियों को जिस तरह से भड़काने का काम इस देश में हो रहा है, इस देश के हालात अच्छे नहीं है और इसलिए आपातकाल की घोषणा की जा रही है, लेकिन इससे किसी को भी आशंकित होने की, आतंकित होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ देश की प्रधानमंत्री न्यायिक प्रक्रिया में उलझ चुकी थी और दूसरी तरफ देश में विपक्ष मजबूत हो रहा था। उस वक्त आंदोलन की राजनीति शुरू हुई थी और जयप्रकाश नारायण से लेकर तमाम समाजवादियों ने बड़े बड़े आंदोलन इंदिरा गांधी और सरकार के खिलाफ उस वक्त उठाए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्णतः स्थगन आदेश नहीं था, आंशिक था। इसके तहत इंदिरा गांधी अपने पद यानी प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकती। 21 महीने तक चले इस आपातकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसकी आज तक पिछले 50 सालों में चर्चा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और जयप्रकाश नारायण से लेकर तमाम आंदोलनकारी उस समय जेलों में गए, विरोध और विद्रोह बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस आपातकाल के दौरान भी बहुत सख्त फैसले लिए और अपने फैसलों पर डटी भी रही। हालांकि इस देश में लोकतंत्र के दमन के रूप में याद किए जाते हैं वो 21 महीने, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज याद दिलाई युवाओं को कि देश की 18वीं लोकसभा में जब वो शपथ लेने जा रहे हैं तो वो उस काले दिन को याद इसलिए कर रहे हैं ताकि देश के संविधान की रक्षा की वो शपथ ले। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा संविधान के दमन और संविधान को बदलने की जितनी मुहिम चलाई गई थी, जितना अभियान और जितना विपक्ष ने इस बात को लेकर शोर मचाया था, देश के प्रधानमंत्री ने अगर उस बात का जवाब पहले सत्र के पहले दिन दिया है तो ये काबिले गौर है। लेकिन ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ भी जाती है कि संविधान को लेकर उन पर जितने हमले हुए हैं, आने वाले 5 साल में अपने तीसरे टेन्योर में वो संविधान की रक्षा को लेकर और ज्यादा संवेदनशील हों और ज्यादा सतर्क हों और तमाम 50 साल पहले के समय को याद तो दिलाएं, लेकिन देश के संविधान को गौरवान्वित करने वाले काम भी आगे बढ़ाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र के दमन के जितने आरोप लग रहे हैं उनकी 50 साल पुरानी आपातकाल से तुलना करना कितना सही है और गलत है ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ से पहले 50 साल पुराने समय को याद दिलाना उन्हें और ज्यादा जिम्मेदार भी बनाता है।